अभी करते हैं इस R15 का स्पीड टेस्ट, कितना दौड़ती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या हाल चाल है सबके, होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मौज मंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नए ब्लॉग के साथ में, एक और न्यू रोड ट्रिप के साथ में। और आज जा रहे हैं हम दिल्ली से वृंदावन के लिए। और ये देखो कौन है हमारे साथ में, ये अपना मयंक भाई। और देखो R15 लेके आया, पहले बुलेट लेके आने वाले थे बट लेके नहीं आए। सो गाइस ये अपनी बीस्ट, और भाई यार रेडी, और अपन भी पूरा रेडी है। सो मिलते हैं अपने GoPro के साथ में अपनी बाइक पे। सो लेट्स गो। सो अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे, और अभी 1:50 हो चुका है। तो देखते हैं अभी हम वृंदावन कितने बजे तक पहुँचते हैं। और रोड बहुत ही प्यारा है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को यहाँ से वृंदावन पहुँचने में। और बाइक देखो 100 टच कर चुकी है अभी तक। और ये एक्सप्रेस वे पूरा खाली है, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी, ना धूप है पर गर्मी नहीं हो रही है, हवा चल रही है बहुत ही प्यारी, और राइडिंग करने का ये बेस्ट टाइम है अभी। हालांकि दिन में गर्मी हो जाती है बट अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। सिक्सटी किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम, और ये सामने देखो कितने प्यारे प्यारे खेत हैं, और मौसम देखो ऊपर का क्या प्यारे प्यारे बादल दिख रहे हैं, और ये देखो। सो अभी कर रहे हैं हम बाइक चेंज, और मयंक भाई चला रहे हैं मेरी FZ, और मैं चला रहा हूँ R15। तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहता है, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं। आवाज़ देख रहे हो क्या प्यारी आवाज़ है। तो अभी करते हैं इस R15 का स्पीड टेस्ट, कितना दौड़ती है। वृंदावन, और सीधा जाओगे तो आगरा। सो अभी पहुंच चुके हैं हम कान्हा की नगरी में। हाँ, और ये सामने देखो श्री धाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। गोवर्धन आगे से लेफ्ट, सॉरी आगे से राइट। और ये बिल्कुल वन वे वाला रोड है, और दोनों तरफ खेत हैं, तो व्यू देखो आप बहुत प्यारा है। जय श्री कृष्णा। आज की राइड भी अपनी कमाल की हुई है, बहुत मज़ा आया आज की राइड में, मतलब टोटली तबाही मचाई है।
R15 में तो भाई साहब ये तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। वृंदावन तो अपन पहुंच ही चुके हैं, सो अभी तक अपने लंच भी नहीं किया, नॉन स्टॉप आए हम। तो लंच कर लेते हैं, यहाँ पे ये ढाबा मिला अपन को, सो कुछ खा लेते हैं। बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिए थे अपन ने, वो भी कैमरे का एंगल सेट करने के लिए। सो ये पे है मन्नत ढाबा, और ये गुड़गांव में भी है जो कि मेरा फेवरेट है। सो गाइज यहाँ पे क्या, अभी हमने लंच और काफ़ी लेट हो गए थे लंच करने के लिए, 4:30 बज चुके हैं। ये देखो सामने का नज़ारा, वृंदावन में पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ से 5 किलोमीटर है अंदर, वहाँ देखने को मिलेगा अपन को प्रेम मंदिर, निधिवन और गोवर्धन पर भी इसी लाइन में आगे। ये देखो भाई आ गए अपनी बाइक पे वापस, और कसम से इस बाइक ने ना बैक पेन कर दी मतलब मैंने थोड़ी सी चलाई, ज़्यादा नहीं चलाई तो, और बैक पेन हो गया इससे। और भाई इस बाइक का बताओ क्या रहा, क्या रहा बाइक है, एकदम पिकअप भी बढ़िया है, ए नंबर, ए मैं A1 दूंगा इसे और A1, ये भी A1 है, बट इसमें जो पिकअप है इसको बहुत सही है, और कंफर्टेबल लेवल बहुत अच्छा है, बट जो इसका बैठने का पोर्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा लीन होना पड़ता है आगे के लिए, तो उसकी वजह से बैक पेन हो जाता है, मेरी बैक पेन बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलते हैं अभी, अब आगे वृंदावन दिखाते हैं आपको। और आप जस्ट इमेजिन करो कि ये जब श्री कृष्णा के टाइम में जब वो थे तब ये कैसा रहा होगा। और ये देखो नीचे लेक है, और कितना प्यारा रहा होगा ये, तब ये कुछ भी नहीं रहा होगा ऐसे, रोड फ्लाईओवर। और ये देखो नीचे लेक है ये। और ये देखो सामने मेरो वृंदावन, और ये देखो कृष्ण और राधा जी की पेंटिंग्स है दोनों तरफ, और बहुत प्यारी लग रही है कसम से। सो फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके हैं, और ये देखो सामने, तो चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आपको मोस्टली ये देखो वृंदावन प्रॉपर्टी ऐसी कृष्णा और राधा के नाम पे मिलेगा जो भी मिलेगा। ये देखो सामने भाई, सो रूम में चलते हैं, रूम में दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये रहा अपना रूम, और मयंक भाई पहले ही पहुंच चुका है, भाई ने पहले ही सामान डाल दिया है, और चेक इन किया अभी अभी, और गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, पसीने की मतलब पूछो मत, और भाई की हाल देखो यार गर्मी से ना मतलब ऐसी तैसी गर्मी है। सो करते हैं गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, होप करते हैं आपको पसंद आएगा, और शाम को आपको घुमाएंगे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवाएंगे, और प्रेम मंदिर के, और अभी के लिए बाय बाय।